जी नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र झा, जयनगर न्यूज़ का वरिष्ठ संपादक। ठीक रात के 11 बजे और मैं आप लोग के समक्ष, जैसा कि मैंने शाम में ही आप लोग को बताया था कि आज पुनः 11 बजे रात में लाइव होऊंगा। और आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा, वार्तालाप का विषय रहेगा, हमारे स्वस्थ जीवन के लिए, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए योग क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, हम भारतीयों की एक पुरानी संस्कृति, पुरानी परंपरा योग से जुड़ी हुई है। हमारा सोना, हमारा जगना, हमारा चलना, हमारा बैठना, हमारी हर तरह के आसन को योग से जोड़ा गया हुआ है। ये बात अलग है कि हम पाश्चात्य संस्कृति में इतने ज़्यादा डूबते चले जा रहे हैं और भौतिकवादी संसाधनों के पीछे इतनी ज़्यादा हमारी ललक होती चली जा रही है कि हमने अपने स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। कंक्रीट के जंगलों में रहने वाले हम, कंक्रीट के जंगल के कहने का मतलब हमारा यह है कि बड़े बड़े आलीशान अट्टालिकाओं, महलों में रहने के अभ्यस्त होने के पीछे आज हमने अपने शरीर और अपनी तंदुरुस्ती पर ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। जी अमित पंसारी जी, करो योग रहो निरोग, एकदम सही कहा आपने। आज से ठीक 4 साल पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे विश्व को संयुक्त संघ के पटल पर 21 जून को योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की अपील किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने माना और एक पहल शुरू किया। आज के दिन देश विदेश में लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने योग अभ्यास किया। और आखिर सोचने वाली बात है कि आज के ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने की अपील क्यों किया। आज 21 जून है, आज विश्व में सबसे लंबा दिन माना जाता है। और आज के दिन का हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा, शरीर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है। आज आप महसूस कीजिए, जिन्होंने योग नहीं किया होगा, जिन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया होगा, उन्हें थकान भी काफ़ी ज़्यादा महसूस होती होगी। आप सुबह सही तरीके से अगर अपने शरीर को कुछ हल्के आसन से ही योगाभ्यास में नियमित रूप से योगिक दिनचर्या बनाए रखते हैं तो आपकी तंदुरुस्ती आपके साथ हमेशा मौजूद मिलती है। योग में तरह तरह के आसन हैं, कुछ क्लिष्ट आसनों को छोड़कर बाकी जो साधारण से आसन हैं, जिन्हें हम एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, योगिक एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, उन आसनों को अगर हम नियमित रूप से करते चले जाएं तो हमारी तंदुरुस्ती हमारे साथ मौजूद मिलेंगी, हम हमेशा चिर युवा बने रहेंगे। दोस्तों, कोई भी बुजुर्ग नहीं होना चाहता, जबकि यह ध्रुव सत्य है कि हम आप सभी कोई बुजुर्ग होंगे, तो आपके चेहरे पे जो ग्लेज होना चाहिए, जो तेज होना चाहिए, जो ओजस्व होना चाहिए, उसके पीछे अगर आप एक ऐसी औषधि जो हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं, वो योग ही है। कहावत है, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। इस योग को अगर हमने गांठ बांध लिया तो गठिया, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ऐसी न जाने कितनी बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। और मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने शहर की तरफ जाता हूं और मैंने अपने बैच के और अपने से जूनियर्स भी, कई लोगों से जब मैं मिलता हूं तो वो कहते हैं मैं डायबिटीज़ से पीड़ित हूं। तो मैं सोच में पड़ जाता हूं कि डायबिटीज़ से ये पीड़ित हैं और दवा के बल पे ये अब चल रहे हैं, जबकि सबसे आसान सा तरीका था अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने का कि सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए और मॉर्निंग वॉक के दौरान ही शरीर को योगाभ्यास के साथ जोड़ दीजिए।
बहुत से लोग कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, और अति व्यस्तता के कारण मुझे समय ही नहीं मिल पाता है। मित्रों, हम आप अगर ऑफिस में भी बैठे हैं, अपने दुकान पे भी बैठे हैं, तो बैठने के पोजीशन को हम सही रखें। बैठे बैठे ही हम पैरों को हिलाते रहें, हाथों को घुमाते रहें, गर्दन को हिलाते रहें, ऐसे कई सारे आसन हैं जो हम बैठे बैठे कर सकते हैं। और कई तरह के हल्के आसन जो हमें हमेशा तंदुरुस्त रखता है। हमें ध्यान देना है कि ये शरीर आपका है, इस शरीर को ओजस्वपूर्ण बनाना, इस शरीर को तंदुरुस्त बनाना, जीवन को स्वस्थ रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको फैसला करना है कि आप डॉक्टरों की दवाइयों के बल पे ज़िंदा रहना चाहते हैं, कि योगिक एक्सरसाइज नाम की उस दवाई के साथ जीना चाहते हैं जो आपको हमेशा चिड़युवा बनाए रखेंगी। MD अजहर सितारा ने कहा, आप अपने घर में करें या घर से बाहर करें, आप कहीं भी कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। और कुछ आसन को छोड़ के, कुछ योगिक एक्सरसाइज को छोड़ के, जिसमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, उसे एक्सपर्ट के बिना वैसे एक्सरसाइज करने भी नहीं चाहिए, लेकिन कई आसन हैं, जैसा कि अमित पंसारी जी ने कहा, बहुत ही आसान और हल्के आसन हैं। मैं अजहर सितारा जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, योग को लोगों ने मजहब के साथ जोड़ दिया था। यस, इस शरीर पे किसी मजहब का कोई हक नहीं होता है, यह शरीर ऊपर वाले की देन है, और इसको तंदुरुस्त रखने के लिए आप आया मीडिया है। आनंद, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, और हम सब योग से जुड़े ही हुए हैं, अपनी संस्कृति, अपनी पुरातन संस्कृति को, की बातों को आपसे और सबों से शेयर कर रहा हूँ। तो बंधुओं, मेरा ये कहना है कि योग, जिसकी कल्पना हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने किया हुआ है, जिसको हमारे समाज को हमारे ऋषि मुनियों ने विरासत के तौर पे दिया हुआ है, जिसका जिक्र, जिसकी चर्चा हमारे वेदों में बताया गया है, जिसके बल पर ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या, घोर तपस्या किया हुआ है, तो ऐसे योग को हमने भुला दिया और हमारी इसी संस्कृति को पश्चिमी देशों ने अपनाना शुरू कर दिया। योग से कई तरह की क्लिष्ट बीमारियां, घातक बीमारियां, उससे हमें निजात मिल सकता है। जी अमित पंसारी जी, आज काफ़ी मुस्लिम देशों में मनाया गया है योग दिवस। मैंने पहले ही कहा कि तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन को कोई किसी मजहब से कैसे बांध सकता है। किसी का स्वस्थ रहना या किसी का स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, यहूदी, इन सबों से कोई मतलब नहीं है। स्वस्थता का मतलब है अच्छा स्वास्थ्य, तो मुस्लिम हो या हिंदू हो। अमित पंसारी जी, महिलाओं की भागीदारी भी अधिक होनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक एक लोगों तक योग का संदेश पहुँचना चाहिए। अपने शहर जयनगर में ही हैं संजय जायसवाल जी हैं, जिन्होंने योग को काफ़ी अच्छे तरीके से जन जन तक पहुँचाने की कोशिश किया हुआ है। रोहित शर्मा जी हैं, जिन्होंने योग को लोगों तक पहुंचाया। आज सूर्य युवा मंच के नगर अध्यक्ष सुमित राउत ने मुझे कुछ फ़ोटो भेजे, जिन्होंने सूर्य युवा मंच के तत्वावधान में योग शिविर लगाया। होना चाहिए, और केवल एक दिन की क्रियाकलापों तक योग को सीमित नहीं रखिएगा, योग को अपना दैनिक दिनचर्या बना लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आज योग दिवस है तो मीडिया की वाहवाही लूटने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, फ़ोटो अखबारों में फ़ोटो आने के लिए, सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालने के लिए हमने एक दिन योग का एक्सरसाइज किया और बाकी दिन छोड़ दिया। ऐसा नहीं, हमें योग को अपने जीवन का, दैनिक दिनचर्या का एक अंग बना लेना चाहिए, और
हर दिन 10 मिनट ही सही, 15 मिनट ही सही, आधे घंटे ही सही, आप जितना ही समय दे सकते हैं, अपने शरीर को अपने लिए समय ज़रूर दीजिए। आप बीमार इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आप अपने शरीर की तरफ ध्यान देना ही छोड़ देते हैं, और जब बीमार पड़ते हैं तब आपको एहसास होता है, ओह काश कि मैं ऐसा कर लेता। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ कि कुछ दिनों से मेरे पैरों में अजीब सी जकड़न समय महसूस करता रहता था। मैं भी सोचता था कितना व्यस्त रहता हूँ, समय ही नहीं मिलता है एक्सरसाइज करने का, जिम जाने का। फिर मैंने खुद से ही बात किया, कुर्सी पे बैठे बैठे मैंने पैरों को चारों तरफ घुमाना शुरू कर दिया, काम करने के दौरान ही हिलाना शुरू कर दिया, उंगलियों को और पंजाओं को मरोड़ना, इधर उधर घुमाना शुरू किया। और क्रमशः जब मैंने इसको पिछले 1 महीने से करना शुरू किया, वह जकड़न, मेरे पैरों की अकड़न कहाँ गई मुझे पता भी नहीं है। कोई दवाई मैंने नहीं लिया, कोई दवा नहीं लिया। जी अमित पंसारी जी, संजय जायसवाल जी का नाम जयनगर में अगर योग शिक्षक के तौर पे लिया जाए तो सबसे अग्रणी होगा, और उनका योगदान भी काफ़ी अच्छा है जयनगर में योग के प्रचार प्रसार के लिए। कई सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनको उन्होंने योग के बल पर उनके गठिया रोग को उन्होंने ठीक किया है। और तो और कुछ दिन पहले हमने मधुबनी पेंटिंग और योग शिविर आयोजन के लिए मेरे मित्र राजीव जी ने उन्हें दिल्ली मेट्रो के कॉरपोरेट ऑफिस में भी बुलाया था, वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से उनकी वार्तालाप भी कराई थी। देखिए हमारा सहयोग उनको कहाँ तक मिल पाता है जयनगर न्यूज़ के माध्यम से। तो संजय जायसवाल जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से योग का प्रचार प्रसार किया है, इससे कोई इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकते। तो आप सबों से निवेदन, योग आपका अपना है, योग को अपनी ज़िंदगी का अंग बनाइए, योग अभ्यास को अपनी ज़िंदगी से जोड़ लीजिए। घर के छत पर ही सही, अपने घर के मुंडेर पे ही सही, गलियारे में ही सही, जयनगर कमला पुल पे ही सही, गांव के किसी खेत या किसी आम के बागान में ही सही। ज़रूरी नहीं है कि योग के लिए हम भीड़ जुटाएं, ज़रूरी नहीं कि योग करने के लिए 10 आदमी का होना ज़रूरी हो। आप अकेले योग करने में सक्षम हो, लेकिन योग ज़रूर कीजिए ताकि आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य आपके साथ अच्छे तरीके से रहे, आप स्वस्थ रहें। जयनगर न्यूज़ के माध्यम से, जयनगर न्यूज़ के टीम के सदस्यों के माध्यम से मैं ज्ञानेंद्र झा आप सबों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों तक योग का संदेश फैलाएं, सबों से योग की सकारात्मक बातों पर चर्चा करें, योग के सकारात्मक रुख को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को योग का क्या लाभ है उसके बारे में समझाएं, और अपनी पुरानी संस्कृति को जो सहेजने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक बीड़ा उठाया था, जो लगभग सफल हो चुका है, उसको पूर्ण रूपेण सफल बनाने में उनका साथ दें। उनका साथ अगर योग दिवस के मनाने में, योग अभ्यास को अपनी ज़िंदगी में लाने में हम करते हैं तो यह उनकी नहीं बल्कि भारत और भारतीयता की जीत होगी, संपूर्ण विश्व पर हमारी संस्कृति की जीत होगी, और योग के माध्यम से हमारी और हमारे देश की जो पहचान है वो विश्व पटल पर काफ़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त होगी और हो भी चुकी हैं। तो आप सबों से अपील जयनगर न्यूज़ के माध्यम से कि जन जन तक योग के संदेश को फैलाएं ताकि सभी लोग अपने स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकें, अच्छे स्वास्थ्य का भरपूर लाभ उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्ञानेंद्र झा आप सबों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।